जय श्री महाकाल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जो आपको बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस बहाने आप ईश्वर का नाम लिख पाएंगे तो जहाँ भोले हैं वहाँ सब सुकून और शांति सब। ये कभी मत करें, ये वीडियो का शीर्षक है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये कभी मत करिए कि मुझे निखिलेश जी, जिनकी उम्र है 78 ईयर है, बहुत बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया है कि पंडित जी आप ज़रूर माँ बाप के बारे में एक वीडियो बनाए कि जो बुज़ुर्ग माँ बाप है और आज के जो बच्चे हैं वो उन्हें छोड़ रहे हैं, उन्हें अच्छे से नहीं रख रहे हैं, उसके लिए आप ये बात करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी माता पिता को, उन सभी बच्चों को ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी जीवन में अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जो घर में अपने माता पिता हैं, उनकी सेवा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी सभी ख्वाहिशें पूरी अच्छी नहीं जैसे तो कर पाए, लेकिन उन्हें अच्छे से रखना आपकी पहली प्राथमिकता है। वो शंकर पार्वती का रूप है आपके घर में, वो देवी है, ईश्वर है, और सभी है, चाहे माँ हो, पिता हो, बुज़ुर्ग घर के संपत्ति है और बरकत है, वो धरोहर है। तो उसे आप संजो कर रखें, उसे इज्जत दें, संभालें और उन्हें बहुत अच्छे से रखें। मानता हूँ कि उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति के मानसिक सोच या उम्र के पड़ाव पर व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ों की चिंताएं होती है, मतलब बच्चे जैसा स्वभाव हो जाता है बुज़ुर्गों का। तो उनके उस स्वभाव को आप सम्मान दें। और आज की इस जनरेशन का, आज के इस समाज का सबसे बड़ी तकलीफ है उन बुज़ुर्गों को सही तरीके से जीवन नहीं दे पाना जिसकी अपेक्षा उनके बच्चों से नहीं होती है। खासकर ये मेट्रो सिटी में तो बहुत बड़ी दिक्कत है, छोटे शहरों में भी है, और यहाँ तक गाँव में भी ये दिक्कत आजकल पहुँच गई। आपके दादा, नाना, काका, बाबा जो भी हैं आपके बुज़ुर्ग, उन्हें आप सम्मान दें। दो वक्त, आप जानता हूँ बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन कुछ समय उनके लिए निकालें, कुछ समय उनको दें। हाँ, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो वो चाहते हैं, बहुत 10-20 रुपए की चीज़ें, कोई महंगा नहीं है दोस्त, वो पूरा करें उनके लिए। और उनकी दुआएं वो होती हैं जो जीवन में आपको किस जगह पहुंचा सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये कभी मत करें कि उनका अनादर करें, ये कभी मत करें कि उनको अनदेखा करें, और ये भी कभी मत करें कि उन्हें आप खुश नहीं रख पाएं, उन्हें खुश रखें, उनकी इज्जत करें। खासकर क्या होता है, पति पत्नी के बीच का जो तनाव होता है वो उभर कर उनको झेलना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन आप मैनेज करें, आप पुरुष हैं या महिला हैं, जो भी हैं, आप ये चीज़ मैनेज करें कि हम दोनों के बीच का विवाद उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें उन्हें अच्छा रखना है, वो ईश्वर है, देवी का स्वरूप है। देखिए, उनका व्यक्तिगत विचार, उनका व्यवहार उनकी जगह है, केवल हम हमारे दायित्व को पूरा करें। वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनका विचार होगा, लेकिन हमें हमारी ओर से हमारे माँ बाप की सेवा करना है और बुज़ुर्गों की सेवा करना है। और ये जीवन में आप कभी मत करिएगा कि उनका अनादर करें, प्लीज़ दोस्तों। इससे आपका शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सभी ग्रह डिस्टर्ब होते हैं, और इससे कई बार बड़ी बड़ी परेशानियां मैंने लोगों के बीच देखी है, और कई सारी परेशानियां, डिप्रेशन का शिकार होना, जैसे माँ बाप ना हो, उसके बाद कई सारी परेशानियां, ऐसा ऑब्जर्व मैंने किया है, जो बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। मुझे नहीं पता कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर मेरी बात कड़वी भी लगी हो आपको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरे इस विचार को यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करते रहें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।